हेलो एवरीवन सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी में सो so, एक और न्यू रिक्रूटमेंट आउट हुआ है रेगुलर बेसिस पे तो ये रिक्रूटमेंट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए और वैकेंसी है ड्राइवर की टोटल वैकेंसी है नाइन्टीन तो कंप्लीट जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ ड्राइवर की कम्प्लीट तैयारी के लिए नोट्स आप परचेज कर सकते हैं मेरे से हिंदी इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेज में बहुत ही बाजब फीस देकर तो उसके लिए आपको संपर्क करना है नाइन एट सेवन सिक्स थ्री सेवन वन सेवन डबल एट पे तो जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि ये वैकेंसी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया नाइनटीन है उसमें से जो बाइफरकेशन है कैटेगरी वाइज तो वो है जनरल कैटेगरी की सोलह वैकेंसीज एस सी और बी की दो वैकेंसीज और ई जिसको बोलते हैं एक्स सर्विस जो कोटा होता है तो उसकी है एक वैकेंसी ठीक है बारह अक्टूबर यानी कि आज की डेट में बारह अक्टूबर दो हज़ार तेईस से इसका जो एप्लीकेशन है जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है दो नवंबर दोपहर के बारह बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं सो so, आगे हम बात करें इसकी सैलरी की तो सैलरी स्टार्टिंग मिलेगी इक्की हज़ार सात सौ रुपये लेवल थ्री पे मैट्रिक्स सेवन के अकॉर्डिंग एज की लिमिट जो है वो है मिनिमम अट्ठारह साल और मैक्सिमम थर्टी फाइव उसके बाद थ्री ईयर्स का रिलैक्सेशन है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में यानी कि एक्सेस सर्विस मैन जो है वो थर्टी एट के भी अप्लाई कर सकते हैं बाकी जो कैटेगरी है उसमें थर्टी फाइव इज द अपर लिमिट क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपके पास होनी चाहिए मैट्रिक विद एटलीस्ट वन सब्जेक्ट आउट ऑफ पंजाबी और हिंदी ठीक है एंड एप्लीकेंट शुड पोजेस अ वैलिड लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल एल एम बी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए उसके बाद नो प्री प्रीजम्पन ऑफ एलिजिबिलिटी और कंपिटेंसी टू ड्राइव लाइट मोटर व्हीकल विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एनी अदर हायर कैटेगरी एंडोस्ड ऑन द ड्राइविंग लाइसेंस मतलब आपके पास सिर्फ एल एम बी लाइसेंस ही चाहिए उसके ऊपर का जो लाइसेंस है वो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और साथ में लिखा है एप्लीकेंट शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ़ एनी ओफेंस फॉर नेग्लेक्टेड ड्राइविंग मतलब आपके पास ड्राइविंग आपके ऊपर ड्राइविंग को लेकर कोई केस आदि नहीं होना चाहिए पुलिस केस वग़ैरह क्रिमिनल जो भी सिस्टम जो होता है वो आपके ऊपर नहीं होना चाहिए अब बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो जनरल कैटेगरी के, के लिए जो फीस है जनरल एंड अदर्स एस सी एस टी बी सी सभी के लिए जो फीस है वो पाँच सौ दस रुपये है और फैसिलिटेशन चार्जेस एंड एग्जामिनेशन फ़ीस पाँच सौ रुपये अलग से है ठीक है उसके बाद लिखा हुआ है एस सी एस टी बी सी ऑफ द एरिया और द स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा एंड यू टी चंडीगढ़ तो इसकी है पाँच सौ दस एग्ज़ामिनेशन फीस है दो सौ पचास ओके एंड एक्स सर्विस मैन की फीस भी है पाँच सौ दस प्लस एग्जामिनेशन फीस दो सौ पचास तो ये आपको इतने पैसे देकर आपको अप्लाई करना है उसके बाद है डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो दिसंबर के एंड में या जनवरी की स्टार्टिंग में इसकी टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन की यानी कि आपके पास अक्टूबर और नवंबर ठीक है अक्टूबर के जो बचे हैं हमारे पास अभी बीस दिन करीब करीब ठीक है उसके बाद नवंबर और दिसंबर तक हम मान के जा सकते हैं कि दो से ढाई महीने का आपके पास टाइम पीरियड है अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रपेयर करने का सो ड्राइवर एग्ज़ाम के रिलेटेड हंड्रेड परसेंट टॉप क्वालिटी कंटेंट आप मेरा परचेज़ कर सकते हैं नाइन एट सेवन सिक्स थ्री सेवन वन सेवन डबल एट पे संपर्क करना है सो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग